क्यों बन रहा है बॉलीवुड क्लासिक फिल्मों का रीमेक? कौन होगा इस बार कॉस्ट्यूम डिजाइनर? क्या शाहरुख की फिल्म टकराएगी बड़े मियां छोटे मियां 2 से? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा, बॉलीग्रैड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आने वाली बड़े मियां छोटे मियां 2 के बारे में। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि क्यों बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को लेना पड़ रहा है ओल्ड क्लासिक मूवीज का सहारा, और क्या SRK की फिल्म की टक्कर होगी बड़े मियां छोटे मियां 2 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर हम आजकल के फिल्मों की ट्रेंड की बात करें तो हाल ही में रिलीज हुई KGF 2 ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। सारे शोज फुल हैं और रॉकी भाई भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और इस फिल्म से पहले रिलीज हुई RRR, पुष्पा और स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी फिल्मों ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। इस पर हम ये कह सकते हैं कि साउथ फिल्में और हॉलीवुड फिल्में बॉलीवुड पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आजकल बॉलीवुड के पास कुछ क्रिएटिव्स ना हो ऐसा लग रहा है, और अपने रूठे हुए फैंस को मनाने के लिए अब फिल्म मेकर्स को ओल्ड क्लासिक फिल्मों का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसे कि हाल ही में हुई अनाउंसमेंट के हिसाब से डायरेक्टर अली अब्बास जफर, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी के साथ क्रिसमस 2023 में एक अलग अंदाज में बड़े मियां छोटे मियां 2 लेकर आ रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि फिल्म ओरिजिनल से रिलेटेड नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए सुपरहिट क्लासिक फिल्मों के नाम का सहारा लिया जा रहा है। फिल्म के ट्रीजर रिलीज के बाद अक्षय और टाइगर की जोड़ी को फैंस का सपोर्ट तो मिल रहा है और ट्रीजर को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अब देखने वाली बात है कि क्या फिल्म फैंस की एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतरती है, या फिर से एक बार बॉलीवुड पुरानी फिल्मों का रीमेक बनाकर बिगाड़ देता है। इसके अलावा अगर हम अमिताभ बच्चन और गोविंदा की बड़े मियां छोटे मियां की बात करें तो फिल्म की कॉमेडी, एक्शन और नेवर फॉरगेटिंग पंचेज लाइन के अलावा बड़े मियां और छोटे मियां के मैचिंग आउटफिट्स भी फिल्म की हाइलाइट्स में से एक थे। पूरी फिल्म में इन दोनों ने उनकी पर्सनैलिटी को सूट करके एक ऐसे आइकॉनिक कॉस्ट्यूम पहने थे। उसके अलावा हीरोइंस के कॉस्ट्यूम भी यूनिक और ब्रीथ टॉकिंग थे। उस समय इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला और माधवी गुप्ता थी। नीता लुल्ला ने इस फिल्म के अलावा भी गोविंदा की कई फिल्मों में आउटफिट्स डिजाइन किए हैं, और इसके अलावा उन्हें नंबर 1 डिजाइनर मानते हैं। इस बार फिल्म एक एक्टी ऑनर होने वाली है, और आज के ट्रेंड से मैच करते हुए कॉस्ट्यूम फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी अक्षय और टाइगर की जोड़ी मैचिंग आउटफिट्स में दिखे और नीति लुल्ला भी इस फिल्म की ही कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो। साथ ही खबर ये भी है कि बड़े मियां छोटे मियां के साथ शाहरुख की डंकी भी क्रिसमस 2023 में ही रिलीज होने वाली है, जो कि राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं, और इस फिल्म में शाहरुख के साथ तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आने वाली है। इस फिल्म को लेकर भी SRK के फैंस काफी एक्साइटेड हैं, और इस पर से कहा जा सकता है कि क्रिसमस 2023 में बड़े मियां और छोटे मियां सितारे एक साथ टकराने वाले हैं और ऑडियंस का फुल ऑन एंटरटेनमेंट होने वाला है। आप कौन सी फिल्में ज्यादा देखते हैं, बॉलीवुड, साउथ, हॉलीवुड या के ड्रामास? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।